अस्सलामुअलैकुम। और मेरे यूट्यूब के साथियों, जो मैं बताना चाहता हूँ ध्यान से सुने, मैं खड़गपुर के टाइम ग्राउंड पर हूँ जहाँ पर मैच होगा और CPL। और मैं बता दूँ आपको कि ग्राउंड बहुत ही बढ़िया कर चुके हैं ये लोग और लगातार काम चल रहा है ग्राउंड का। पटेला भी चल रहा है और कंप्यूटर माजा भी चल रहा है लगातार। और ग्राउंड की हालत देख सकते हैं आप, और आगे भी एक वीडियो क्लिप डलेगी उसमें भी देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से ये मैनेज कर रहे हैं ग्राउंड को। और पिच वगैरह भी बढ़िया जगह बनेगी, जहाँ पर पहले थी वही बनेगी पिच भी। और ग्राउंड का एरिया भी बहुत अच्छा कर दिया है इन्होंने, और जैसा कि देख ही रहे हैं आप ग्राउंड बहुत अच्छा है, सब बढ़िया कर दिया है। हाँ तो गाइस देखिए, हम आ चुके हैं बिल्कुल मैदान के बीचों बीच। हमारे साथ साथी समर्थक और हमारे साथी खिलाड़ी मौजूद हैं यहाँ पर ग्राउंड में। देखिए कैसे बहुत ही शानदार तरीके से लेबलर चल रहा है, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे। जैसा कि देखिए बहुत ही जबरदस्त ग्राउंड तैयार किया हमारे नाजिम सर जी की कमेटी ने, और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है, सफल टूर्नामेंट होने वाला है। मैं कोशिश करता हूँ इस टूर्नामेंट इसके माध्यम से, इनके चैनल के माध्यम से सभी लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक आएँ, और जो किसी कारण नहीं भी आ सकते हैं वो घर बैठे अपने यूट्यूब हमारे चैनल पर ये बताएंगे हमारे साथी अभी अदिल टेलीकास्ट पर। जी जी जी, उस पर अपना जो है घर बैठे लाइव टेलीकास्ट दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर भाई आपका। और इसमें कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं? इसमें 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अच्छा, दो जिसको हमने जो है दो ग्रुप में बांटा है, ए और बी। अच्छा, पाँच पाँच टीमों को, पाँच और प्रत्येक टीम को चार मैच खेलने होंगे लीग के। अच्छा, क्वालिफाई करने के लिए निर्णय निकल कर आएगा, और देखते हैं फिर किस तरह से सेमी क्वालिफाई करने के लिए कितने मैच जीतने पड़ेंगे। जी सॉरी, क्वालिफाई करने के लिए कितने मैच जीतने पड़ेंगे? क्वालिफाई करने के लिए तो इसमें कम से कम दो मैच तो करने ही पड़ेंगे, और फिर बाकी स्थिति के अनुसार देखना पड़ेगा। तीन तो पक्की है। ठीक ठीक, शकील भाई आप कुछ कहना चाहते हैं ग्राउंड के बारे में? कम बोलना है क्या भाई? जी, इस ग्राउंड को करवाने में आपका कितना सहयोग है? जी, इस ग्राउंड को करवाने के लिए बहुत हमारी कमेटी का सहयोग है, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपनी कमेटी का, जिन्होंने यहाँ पर ये निर्णय लिया कि जो लीग है वो यहाँ पर आ गई। हमारे लीग के संचालक जैसे कि नाजिम सर जी हैं, हमारे गुड्डू भाई हैं, हाजी जी, राशिद भाई, और बहुत सारे हमारे कमेटी मेम्बरान हैं, जिन्होंने ये सोचा कि इस मैदान को तैयार करा कर यहाँ पर लीग कराई जाए और एक सक्सेसफुल लीग कराई जाए। बहुत बहुत और ये सहयोगी साथी जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, कैमरा मैन दिखाइए, देखिए गुड्डू भाई काफी मेहनत की है, लगातार ट्रैक्टर चला रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, नाजिम भाई हैं हमारे, और ये हमारे सद्दाम भाई हैं, और बाकी साथी हमारे जितने भी छोटा बच्चा पार्टी है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं इसमें, बड़ा जी। इस टूर्नामेंट का नाम आपने क्या सोचा है? जी, इस टूर्नामेंट का नाम पहले कुछ और था, मगर अब बदल के कुछ और हो गया है। इस लीग का नाम CPL रखा गया है। CPL कैनरा बैंक के माध्यम से कराई जा रही है, कैनरा प्रीमियर लीग। जी, कैनरा प्रीमियर लीग जो स्पॉन्सर है इस लीग की, उसके माध्यम से ये कराई जा रही है। और बात यह है कि CPL के नाम से इसको नाम दिया गया है। बहुत बहुत बढ़िया, नाम भी अच्छा है, नाम के अनुसार ग्राउंड भी बहुत बेहतर करवा दिया है इन्होंने। और ये बता दूँ कि कैफ भाई जो उसके संचालक हैं और नाजिम मास्टर साहब इसके संचालक हैं, बहुत ही अच्छा ग्राउंड कर दिया है इन्होंने ये। और इसे लाइव देखने के लिए मैच को यूट्यूब चैनल आदिल टेलीकास्ट पर विजिट करें डायरेक्ट, और अच्छे से लाइव देखें घर बैठे, ज़्यादा तकल्लुफ़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और बहुत ही लोग यहाँ पर आएँ और जो खिलाड़ी हैं उनका हौसला बढ़ाएँ। और ये साथी प्लेयर अशरफ भाई और मैनेजमेंट, शकील भाई कुछ बोल नहीं रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई, हमारे बोलने में कम और काम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, बोलने में सक्षम कम है, थोड़ा सा बोल ले, लेकिन काम में कोई कमी नहीं। थोड़ा सा गुड्डू भाई, मैं चाहूंगा आप आइए कैमरे के सामने, गुड्डू भाई थोड़ा बहुत दो शब्द कहिए अपने प्यारे प्यारे। आप कुछ बताएं इस टूर्नामेंट के बारे में, आपको कैसा लग रहा है ये टूर्नामेंट अगर इतना अच्छे तरीके से होगा तो? बस टूर्नामेंट अच्छा ही हो, मैं ये चाहता हूँ कोई लड़ाई झगड़ा आगे जगह नहीं करे। बहुत बहुत बढ़िया बात, अपना सहयोग करे जितना भी करे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बयान यहाँ पर व्यक्त किए। और ये ग्राउंड देख सकते हैं आप, और कमेटी बहुत सख्त है इसके, कमेटी का सख्त होना बहुत जरूरी है। कमेटी के रूल्स हम सभी खिलाड़ी जितने भी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं और जितने भी टीम के ओनर है या मालिक हैं या कप्तान हैं, सभी को जो है हम इस एक समूह हमने तैयार कर रखा है अपना व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसके माध्यम से हम सबको सूचित कर देंगे, और जो है कि उसमें जो भी हमारे नियम है उसको कठोरता से लागू करेंगे, सब फॉलो करेंगे और सबको मान्य होंगे वो, और अगर उसकी कोई भी हमारे आदेश की अवहेलना करता है हमारे बनाए हुए नियम की, तो उसको इस टूर्नामेंट से बिल्कुल निष्कासित कर दिया जाएगा।
बहुत बहुत बढ़िया डिसीजन और हमें सुन के बहुत अच्छा लगा। और ये ग्राउंड बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है, पूरा ग्राउंड शो करें बहुत बढ़िया है। मिडल पर पिच बनेगी। और देख सकते हो पटेला लगने के बाद कैसे लग रही है, ग्राउंड कैसा लग रहा है, बिल्कुल टाइट हो गया, हार्ड हो गया ग्राउंड पटेला लगने के बाद। देखिए मैं अपने कैमरा मैन को चाहूंगा कि वो दिखाए एक बार, देखिए बहुत ही जानदार लिंटर का बनवा बहुत तेजी से काम चल रहा है सर। देख सकते हैं ये बहुत टाइट है, गड्ढा भी नहीं हो रहा है इसमें, पिच में बहुत टाइट जगह हो गई है बिल्कुल। अब इस पर रोला लगेगा, बहुत टाइट है पिच, बढ़िया। और ये पिच के लिए हो रहा है, पिच की है यहाँ पिच बनेगी।